Hi. आप सब कैसे हैं दोस्तों? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो, हाय दोस्तों. हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे. अच्छे ही रहना और हमेशा स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन की पूंजी होती है दोस्तों. और हमेशा मुस्कुराते रहना और मुस्कुराते ही रहना, क्योंकि मुस्कुराने से जिंदगी सारा दुख और गम खत्म हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं दोस्तों. ठीक है, तो आज तो हम रैंडमली ब्लॉक कर रहे हैं अपने घर से थोड़ी दूर, 30 किलोमीटर करीब हम लोग आ चुके हैं. सुबह हम लोग ब्लॉक के लिए निकलते थे, लेकिन सुबह में बारिश पूरा हम लोग जगह में रात भर बारिश, प्लस सुबह मॉर्निंग टाइम 10:30 तक बारिश था. उसके बाद में बारिश रुका 1-1.5 घंटा, उसके बाद में फिर बारिश कंटिन्यू होते रहा. इस प्रकार से हम सुबह नहीं निकल पाए और आफ्टरनून में हम लोग आए. अभी आफ्टरनून है, अभी का टाइम 4 बज चुके हैं आपका. ठीक है, 5 के बाद इवनिंग हो जाएगा. हम लोग थोड़ा आपका मालंगी बोल के टी स्टेट एरिया है, उस एरिया को दिखाने लेके आए हैं. यहाँ पे एक नदी है, एक पिकनिक स्पॉट भी है. ठीक है, उसको दिखाने आए हैं. आप बने रहिए, आपको मैं वो सब नज़ारा इसी हमारा वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है दोस्तों, और मैं अपने दोस्तों से बहुत ही खुश हूँ. एक बात शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, आप सब आप लोगों से, कि हम लोग का सब्सक्राइबर अभी 400 पहुँच चुके हैं, 407 हो चुके हैं दोस्तों. इसके लिए आपका प्यार के लिए, आपका सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों. वो खुशी की बात है. मैं सोचता हूँ इस महीने के अंदर 500 भी हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, शायद इसी प्रकार आपका प्यार रहा तो. ठीक है दोस्तों, और आपको मैं आगे की ओर दिखाता हूँ अपने इस वीडियो में. चले दोस्तों, ये सब बने रहिए, उस नज़ारे का लुत्फ और मज़ा आप उठाइए आज संडे के दिन में. ठीक है दोस्तों, ठीक है. हेलो दोस्तों, आज से हम भाई लोगों का सफ़र शुरू हो गया दोस्तों. आज संडे है, आप लोगों को मालूम होगा संडे के दिन हम लोग हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं. लेकिन आज संडे तो शाम का हो गया है, हो चुका है. हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, मालूम है आपको? एक मालंगी नाम का टी स्टेट एरिया है, उस साइड पे जा रहे हैं. यहाँ पे कुछ व्यू वगैरह मिलता है, कहाँ गए हम लोगों को, देखते हैं जाके उस जगह पे क्या मिलता है. जो भी होगा आपको दिखाएंगे, हम लोग जरूर दिखाएंगे दोस्तों. चले एक कौन सा खोला पाऊंगे. थैंक यू. ये मालंगी का चौपाटी है दोस्तों. देखिए, जो भाई से पूछा हम लोग से, बाहर नदी के बारे में पूछ रहे थे, नदी का रास्ता कहाँ पे होता है, जाता है बोल के. तो भाई ने हम लोग को इस पर बोला 1.5 किलोमीटर यहाँ से, ऐसे बोला. कहते हैं दादी खोला जाने वाले कदा खोला, सीधा बोला. हम लोग पूछा नदी का रास्ता कौन सा है, बोला सीधा चले जाइए आप लोग नदी की तरफ पहुँच गए. पूछते हैं हल्का चौपाटी एरिया है. हम लोग का तो देखो, मैं पूरा बारिश इधर में देखिए, धूप धूप देखिए दोस्तों, ऐसा धूप खिला है. हम लोग का देखो, मैं पूरा बारिश है. तुम जानो तो कुछ क्या होगा. मेरा दोस्त जा रहा है पूछने के लिए नदी कहाँ पे पड़ता है बोल. ये रहा मेरा दोस्त, पूछ के भी आ गया एड्रेस के. सीधा पहुँच गए हम लोग. ये देखिए रास्ता इतना खराब है दोस्तों, रास्ते से हम आए. देखिए मैं उतर गया हूँ, ये देखिए मेरे दोस्त कैसे जा रहे हैं. ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते हैं प्यार के. क्या कहा जाता है दोस्तों, ऐसे रास्ते पे हम लोग को चलना पड़ रहा है. कोई बात नहीं. देखिए ये जो नदी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो नदी है ना, ये हम लोग का उधर से आया भूटान का नदी है. इसको मैं आपको हमेशा तुसा तुसा कहता था ना, ये तुसा नदी ही है. ये देखिए नदी का नजारा है और मालंगी टी स्टेट है.
रहा है। ये मेरा दोस्त है, हैंडसम दोस्त है, चश्मा ही पहन लिया, क्योंकि सादा वाला है, इसे आँख थोड़ा कमजोर है, इसे पहना है काला चश्मा, तो हीरो बनने पहनता है। बोला आदमी तुम्हें हीरो बना देता हूँ, ये सब तू सुना दे सोचते थे। इस प्रकार का दृश्य है, आप भी देख सकते हैं। आप भी आ रहा था तेज धूप, हम लोग तो धूप का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। तीन चार दिन से बिल्कुल बारिश बारिश बार परेशान हो गया, बेजार आ गया, इतना खराब किया बारिश ने। सोचा था हम लोग आज आपको अलग सा एक वीडियो दिखाएंगे अच्छे से, लेकिन नहीं हो पाए। आप अगले सप्ताह हम लोग अगली छुट्टी हो गए थे, बारिश तो एकदम नहीं है, ऊपर में बारिश जो हुआ था उसी का ये थोड़ा सा नदी में उछाल आया है। जब भयंकर बारिश होगा ना तो इतने भयंकर सा उछाल आएगा नदी में, और वो एक गेंद सैलाब बन जाएगा भयंकर। ये सीन है, यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने को आते हैं, पिकनिक भी खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आपको याद आ रहा होगा, आप लोग बचपन में बैर तोड़ के खाते थे होंगे। ये बैर का पेड़ है, अभी तो एक भी बैर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, अभी सीजन नहीं है शायद, सीजन रहता तो बैर तोड़ने को मिलता। ज्यादातर हम लोग तो दूधे नदी पर जाते थे, नदी का जल तो बहुत कम था ना, हम लोग डर नहीं रहता था। सुखा नदी तो बहुत बड़ा नदी था, हम लोग ज्यादा दूधे नदी में नहाते थे। उस दिन का याद आ गया मुझे, आगे जा रहा करता हूँ एक बार फिर। ये देखिए साइड का नजारा नदी का, आइए थोड़ा दूर तक चलते हैं, इस वादियों में, इन घने जंगलों में, इन पशु प्राणी के साथ में दोस्तों, इस नदी के साथ में आगे की तरफ चलते हैं। आगे में क्या नज़ारे हैं वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और मैं इसी कोशिश पे लगा हुआ हूं, ठीक है दोस्तों। नदी तो यहाँ पर तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा सा नदी हो गया नदी। ऊपर से आते नदी, ऊपर से उधर रेलवे पटरी है ना, और उस पटरी तब जाते हैं, देखते हैं उधर और कुछ है, कुछ हम लोग आपको दिखाने लायक मिलता है हम दिखाएंगे, वहाँ वहीं से वापस आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चले मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। We don't gotta pretend, we don't gotta dance around it. No.
हम लोग चलते चलते इस रास्ते पे भैया लोग मिले, जो भैया लोग यहाँ पार्टी मना रहे हैं। लेंगे हजारों जन्म ये देखो दोस्तों रास्ता को इस प्रकार से छोटा सा खाली स्कूटी जा सकते इस रास्ते पे, स्कूटी और आदमी तो जा सकते रास्ते देखो रास्ता ऐसा रास्ता होते हुए हाईवे की तरफ निकलेंगे जहाँ पे ब्रिज बना हुआ है ना आसमान साइड निकल जाएंगे हम लोग। बीच में दोस्त लोग भाई लोग मिल रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, लेकिन बस मत भेजा भाई बैग बैग में गाड़ा होता है ना चुप गया ना तो निकलना बहुत मुश्किल होता है भाई, इंजेक्शन लगाना इंजेक्शन हम लोग मालंगी छोड़ चुके हैं, मालंगी से हंसी मार ब्रिज की तरफ आ गए आ चुके। देखिए ये ब्रिज का दृश्य है, ये खाली रेलवे ब्रिज का है। ओरा गाड़ी जा रहा है, देखिए दोस्तों गाड़ी का पुल भी आ गया, वहीं से हम लोग निकलेंगे। वहाँ हंसी मारा हाईवे का ब्रिज वाला सीन है दोस्तों, तो पहले हम लोग वीडियो में दिखाया था, बहुत पुराना सा वीडियो हम लोग का, 3 महीना आ गया वीडियो पे हम लोग दिखाया था। अब हमें इन भाइयों से गाइड कराने वाले भाइयों से पूछना पड़ेगा यहाँ से क्या रास्ता जाता है, बल्कि हम लोग पहुँच सकेंगे हाईवे की तरफ, इन भाइयों से पूछ के बताना पड़ेगा। भाई हमी माथि निस्किन सक्छ रोडमा, रोडमा जान सक्छ भाई हामी सिधा। थ्याङ्क यू भाइ, भाइ बोला आज जाके सिधा जाओ, अब गाडी वगैरह कुरा नगाउ भाइ। चलो ये भी एक्सपिरियन्स हो गया भाइ, युट्युबले चलते ए देखि रेलवे फाटक रेलवे ब्रिज। क्या सोच के आए थे भाइयों और क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए बोलते हैं ना कुछ नहीं करने से आता है कुछ करना, नथिंग इज बेटर देन टू समथिंग। उनका नीचे से हम जा रहे हैं, ये देखिए नज़ारे दोस्तों, शाम का टाइम का अभी ठीक बज चुके हैं, पौने पाँच का नज़ारा इस प्रकार से है। पूरा रास्ता है मेन हाईवे हंसी मारा ब्रिज का, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग रोड जाएंगे अपने जगहों की ओर। ये उसका नदी है, नदी का दृश्य है और ट्रेन का लिख के है, देखिए ट्रेन का पटरी का लिख इस प्रकार से है। हम लोग मालंगी छोड़ के हंसी मार के तब आ चुके हैं हंसी मारा हाईवे पे, ठीक है दोस्तों ये है आपको दिखाने का। हंसी मारा आ गया हाईवे के नीचे भी है, नीचे रिसोर्ट भी है, अभी हम लोग अभी शाम हो रहे थे मेन हाईवे आ गया है, यहाँ से हम सिलीगुड़ी जा सकते हैं। इस रास्ते से अलीपुर कुछ बिहार और हम लोग का घर हम लोग का निवास स्थान जय गाँव जा सकते हैं दोस्तों इसी रास्ते से। देखिए अभी हाईवे पे आ गया हम, हाईवे का नज़ारा देखे दोस्तों कुछ अलग टाइप का है, जैसे हम लोग जंगल से बाहर निकले हाईवे नजर आया, हाईवे में देखिए बस और गाड़ी चलता हुआ, मौसम में कितना सुहाना सा है दोस्तों, कितना सुहाना सा मज़ा आ रहा है मेरे को इस मौसम पे। आज का दिन संडे का दिन थे दोस्तों, ये देखिए बस इतना बड़ा सा बस देखे दोस्तों, गाड़ी देखिए हाईवे में, ये है हाईवे दोस्तों। तो दोस्तों आज संडे का दिन तो ऐसे ही गुजर गया, इसमें सुबह सुबह पानी बारिश रहा जगहों में तो हम लोग नहीं आ सके थे ब्लॉग करने के लिए, तो अभी तो हम लोग का 3 बजे के बाद हम लोग का बारिश रुका था, लेकिन जैसे हम लोग बारिश रुका तब आप लोग वीडियो दिखाने हम आए
ये हाँसीमारा का हाईवे है जो दोस्तों उस साइड पे आए, मालंगी गए थे, मालंगी से आगे है सब पुलिस है, आप पहुँच गए हैं। तो आप लोग का वीडियो समाप्त क्यों हो रहा है और बस मैं ये कहना चाहता दोस्तों जल्दी आप घर में मिलेंगे ना कुत्ता कुत्ता तेल का बताने वाला सीन होगा दोस्तों, ठीक है। आज कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को तो हो गया बोल के, आप लोग कैसा लगे दोस्तों प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना और मेरे को बताना आप लोग का वीडियो आपको कैसा लगता है। जो मेरा फैमिली है, जो मेरा फैमिली बड़ा हो गया दोस्तों, एक से दो, दो से चार, 400 से 500 होने का धारा दोस्तों, एक बोल रहा था हफ्ते महीने में 500 हो जाएगा, 500 होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, सलाम दोस्तों। जाते हुए एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऑल इज वेल, नो प्रॉब्लम दोस्तों, हैप्पी जिंदगी, लव योर जिंदगी।